आई थिंक हमें तो ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए यू नो एवरी डे, बट ऑफकोर्स सिंस देयर इज दिस वन डे वेर वी सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स. A very, very happy Women's Day to all you women out there. Wishing all you gorgeous women out there a very happy Women's Day. I'd like to wish all the women a very, very happy Women's Day. I want to wish each and every woman out there a very, very happy Women's Day. Antarrashtriya Mahila Divas, aap sabhi saheliyon ko, mahilaon ko, meri taraf se aneko anek shubhkamnaye. Lots and lots of love and congratulations to all of you. आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी तरफ से आप सभी खूबसूरत महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे. हम महिलाएं एक मकान को घर बनाते हैं, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बीवी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक दोस्त के रूप में. हम हमेशा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं और सही मायनों में देखा जाए तो समाज का एक सही निर्माण करते हैं, एक चरित्र निर्माण का काम करते हैं. सो दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मौके पर अपने आप को कम न समझे और अपने स्वाभिमान और अपने पहचान के साथ कभी कोई समझौता न करे. मैं चाहती हूँ कि इस वुमेन्स डे पर जेंडर इनइक्वालिटी एट वर्क प्लेस बिल्कुल खत्म हो जाए, एंड आई होप यू ऑल आर विद मी ऑन दिस. मेरी एक ही विश है आप सबके लिए कि आप अपने आप में बिलीव करें, अपने पर यकीन करें कि आप कितनी पावरफुल हैं और आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. सो शाइन ब्राइट, सोर एंड फ्लाई. मैरिलिन मोनरो वंस सेड दैट वुमेन हु कंपीट विद मेन फॉर इक्वालिटी लैक एंबिशन, एंड आई एग्री विद हर. व्हाई वुड यू वांट टू कंपीट विद मेन? लाइक सीरियसली, यू कांट कंपीट विद मेन, कम ऑन. It's because I feel you're way more superior. And I know a lot of you feel too, because I feel women are definitely more superior than men in so many more ways than one. इस साल यही इच्छा है कि सारे औरतों को इज्जत मिले. इज्जत मिलेगी तो उसके साथ अपने आप फ्रीडम भी मिलेगा, उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा. फ्रीडम मिलेगा तो कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा. अगर औरतों को वो मौका मिले उनकी इच्छाएं पूरी करने का तो उनकी प्रगति हो सकती है. एंड आई थिंक दैट इज वॉट इज रिक्वायर्ड इन टूडेज लाइफ. इट्स नॉट अबाउट हु इज डोमिनेटिंग हुम और हु इज सपोज टू डोमिनेट हुम. इट्स नॉट अबाउट ये किसकी सोसाइटी है, बट आई थिंक को एग्जिस्टिंग इज द वे ऑफ लाइफ. आज आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटे अचीवमेंट हो या बड़े अचीवमेंट हो. आई थिंक स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हमारी मॉम्स होती हैं, उन्हें बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलता. सब कहते हैं यू नो दे आर जस्ट हाउसवाइफ्स, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बीइंग अ हाउसवाइफ इज नॉट ईजी एट ऑल. तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हम सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे का चीयर लीडर बनना चाहिए, और you know there is sunshine for everyone. तो कोई किसी की sunshine नहीं चुरा रहा है. My wish for women in 2022 is that they find a way to meaningfully lift other women up with them as they do better and better. और यहाँ पर हम एक साथ चलेंगे तो हम you know और भी खुश रहेंगे और भी तरक्की पाएंगे. Yeah, different ways that you can find to lift other women up, because I think when women do this for each other and we get past a lot of the internalized misogyny, when we get past the normal misogyny, when we lift ourselves up, I think then there'll be no stopping us and it'll just be better for women, you know, which is what we want. Hum sab auratein apni health ko prioritize kare. Hum sare rishte nibhane ke chakkar mein kai baar apne aap ko neglect kar dete hain, apni health ko neglect kar dete hain aur bahut stress lete hain. So agar hum zyada stress lenge to hum zyada cheeze apni life mein accomplish nahi kar payenge. Stress kam lijiye, apni health ko prioritize kijiye, yoga ko apni life mein incorporate kare. Agar aapke paas time nahi to at least breathing exercise zarur kijiye, jo ki bahut help karta hai stress ko balance karne mein, because maine adhiktar mahilaon mein depression dekha hai. Please depression se dur rehne ka एक ही तरीका है कि हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम को अपनी लाइफ में जो है इम्पोर्टेंस दे. सबसे बड़ी चीज, सेलिब्रेट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, सेलिब्रेट योरसेल्फ, बी हु यू ट्रूली आर. एंड आई रियली होप दैट दिस वुमेन्स डे यू गेट टू वेयर व्हाट यू वांट, से व्हाट यू फील लाइक, डू व्हाट प्लीजेस यू. इन शॉर्ट, जस्ट बी हु यू आर. आपकी अगर शादी हो गई है, आपके अगर बच्चे हो गए हैं, तो आप ड्रीम करना ना भूलें. आप और भी बड़े ड्रीम्स देखें और कोशिश करें कि जो भी आपके सपने हों
वो आप जरूर पूरा करें, साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, आपके ड्रीम जरूर फुलफिल होंगे, क्योंकि हम में वो ताकत है, आप में वो ताकत है अपने हर ड्रीम को पूरी करने की। Also, my wish is that women understand financial planning, right? Like at some point, take this thing over, just like you understand how to handle your period. Understand how to handle your finances, man. It's important. Ask someone. Don't be relying on brothers, husbands, fathers, uncles. Like, you know, you shouldn't get to 45 and be like, what's a pension? No. Get on it. Love it, please. Happy Women's Day 2020.